नमस्कार साथियों, ये पांचवा वीडियो है उस सीरीज़ का जहां पर हम बिहार के जीके और हिस्ट्री जो ज्योग्राफी है इन सब सब्जेक्ट को देख रहे हैं। बीपीएससी पीटी का जो एग्ज़ाम होने वाला है 1 जुलाई को, उसके लिए सारा प्रिपरेशन है। एग्जैक्ट स्टडी मटेरियल हम लेके आए हैं, क्वेश्चन इसी में से आएगा। और इस वीडियो को आप देखते जाइए, जो पूरी सीरीज़ है उसको आप देखते जाइए, इसमें बिल्कुल फ़ायदा होगा। तो अभी हम बात कर रहे हैं बिहार में जो सिंचाई का जो साधन मौजूद है उसके बारे में, और सिंचाई का जो स्टैट्स है वो हम देखते हैं। तो कुल सिंचित जो क्षेत्र है वो देख लीजिए आप, यहाँ पे कितना है, 45,50,244 हेक्टेयर। अब मोटा मोटी मान के बस याद रखिए, 45 लाख हेक्टेयर जो ज़मीन है बिहार में वो सिंचित क्षेत्र में आता है। कुछ इलाका ऐसा भी है साउथ बिहार का जहाँ पर सूखा पड़ता है, जहाँ पर पानी इतना मौजूद नहीं है। सिंचित क्षेत्र 48.33% ही है बिहार में, याद रखिएगा कि टोटल एरिया में 48% ही ज़मीन ऐसा है जो कि सिंचित क्षेत्र में आता है। सिंचाई के जो मुख्य स्रोत हैं वो नलकूप, नहरें, तालाब, कुआं और जलमग्न गड्ढे हैं। तो इसमें से बिहार में जो नहरों का नेटवर्क है वो इतना बड़ा नहीं है। नहरों के बारे में भी हम बात करेंगे, जो हमारा नदी वाला वीडियो है उसको आप देखिए, उसमें नहरों के बारे में, बिहार में कौन कौन सी नहरें हैं, कौन सी नहर कौन सी नदी से कनेक्ट है, वो सारा डिटेल उसके अंदर मौजूद है। तो बिहार में जो मेन स्रोत है सिंचाई का वो नलकूप और नहरें, तालाब और जो जलमग्न गड्ढे होते हैं जो बारिश के पानी से बनते हैं, उन वही सब हैं। नलकूप के द्वारा सिंचित 55% जो ज़मीन है वो नलकूप से ही सिंचित होता है, नहर से 34%, तालाब से 3.2%, अन्य साधनों से 6.5% के आसपास का ज़मीन का सिंचाई होता है। वृद्ध सिंचाई परियोजना की क्षमता 10,000 हेक्टेयर के अधिक है। मध्यम सिंचाई 2,000 से 10,000 हेक्टेयर के बीच में है। अभी देखिए, सर्वाधिक सिंचित भूमि वाला ज़िला शेखपुरा ज़िला, शेखपुरा एक छोटा ज़िला है। न्यूनतम सिंचाई वाला जो ज़िला है वो है जमुई, जमुई का इलाका पहाड़ी इलाका है, वहाँ छोटा नागपुर प्लेटू रीजन में से आपको पठार दिखने को मिलेगा। नहर सिंचाई में सबसे ज़्यादा जहाँ है वो रोहतास, पश्चिमी चंपारण, रोहतास वो सोन नदी का इलाका आता है वहाँ पे, और पश्चिमी चंपारण जो नेपाल से जो नदियाँ आती हैं उनका इलाका आता है। नहर द्वारा सिंचित न्यूनतम सबसे कम जहाँ पर नहर सिंचाई, तो मुजफ्फरपुर और वैशाली, ये गंडक का इलाका है, गंगा का इलाका है, इनको मुख्य नदी से ही पानी काफ़ी मिलता है। अगला देखें, जो सिंचाई की जो परियोजना बिहार में जो नहरें बनी हैं उनका देखें, सोन बहुउद्देशीय परियोजना 1874 में बना, जो कि पूर्वी सोन नहर औरंगाबाद, अरवल, पटना, गया, जहानाबाद से पानी मिलना था, पश्चिमी सोन नहर आरा, बक्सर, रोहतास से इसको पानी मिलना था। पर ये जो परियोजना 1874 का परियोजना, इतना पुराना परियोजना है, पर इस परियोजना और ये अगर ज़मीन पर देखें तो ये ऑलमोस्ट फेल है, क्योंकि मैं साउथ बिहार में ही रहता हूँ, मुझे इनका पता है। क्योंकि जब गंडक परियोजना देखें, जो त्रिवेणी भी का है, तो 1904 में ये बना था, वाल्मीकि नगर बांध से यहाँ पानी आता है। इसके ज़िले भी आपको दिख रहे हैं जहाँ जहाँ पर इसका जाता है, जहाँ पर मैं तेज़ कर रहा हूँ आप वीडियो को पाउज करके नोट डाउन कर लीजिए। कोशी बहुउद्देशीय परियोजना, ये बिहार सरकार ने 1954 से 1955 में बनाया, हनुमान नगर बांध इसका मेन डैम था। मुख्य नहरें पूर्वी कोशी नहर, पूर्णिया, अररिया ज़िला। कुछ सिंचाई परियोजना जो बिहार सरकार बनाती है या बनाया हुआ है उसका नाम और उसका ज़िला यहाँ पर देखिए। बरनाल जलाशय योजना भागलपुर जमुई में, उत्तर कोयल योजना गया औरंगाबाद में, पुनपुन बैराज योजना औरंगाबाद गया पटना में, बटेश्वर नाथ पंप नहर योजना भागलपुर में, जमानिया पंप नहर कैमूर में, अपर क्यूल मुंगेर लखीसराय में, तिलैया डैम वाला गया नवादा में, दुर्गावती जलाशय रोहतास कैमूर में, बटाने जलाशय योजना औरंगाबाद में, बागमती परियोजना सीतामढ़ी में। अब देखिए बिहार की नदियां और उनके उद्गम स्थान कहां से शुरुआत हुआ, गंगा गंगोत्री से, घाघरा सरयू, ये मच्छ पांचुंग या तिब्बत, ये यूपी से होके आती है नदियाँ, गंडक नदी सप्त गंडकी नेपाल से, बूढ़ी गंडक सोमेश्वर श्रेणी से, बागमती महाभारत श्रेणी नेपाल से, कमला नेपाल से, कोसी भी नेपाल से, महानंदा दार्जिलिंग मकलादियारम से, कर्मनाशा विंध्याचल की पहाड़ी से, सोन अमरकंटक से। देखिए सोन नदी जिस जगह से निकलता है उसी जगह से नर्मदा नदी
भी निकलता है, नर्मदा बिहार में नहीं आता। पर इस बात को याद रखिएगा कि जिस जगह से उद्गम स्थान सोन नदी का है उसी जगह पर उद्गम स्थान नर्मदा नदी का भी है। पुनपुन जो है पलामू डिस्ट्रिक्ट में, जो झारखंड से शुरू होता है, फल्गु हजारीबाग के पठार से शुरू होता है। इसके अलावा और भी अजय नदी है, बटपाड़, चकाई, जमुई, छोटी छोटी नदियाँ हैं, इसको सबको आप याद कर लीजिएगा। बिहार के प्रमुख झरने जलकुंड और इसका नाम है आप देखिए, सप्तधरा जो है जलकुंड वो राजगीर में, ब्रह्मकुंड राजगीर में, सूर्यकुंड राजगीर में, नानक कुंड राजगीर में, मखदूम कुंड राजगीर में, गोमुख कुंड राजगीर में, लक्ष्मण कुंड मुंगेर में, सीता कुंड मुंगेर में, रामेश्वर कुंड मुंगेर में, ऋषि कुंड मुंगेर में, जन्म कुंड मुंगेर में, श्रृंगार ऋषि कुंड मुंगेर में, भरारी कुंड मुंगेर में, अग्निकुंड गया में। कहने का मतलब है जब अगर सवाल कुंड का आए तो राजगीर या मुंगेर ही आंसर होगा। अब देखिए बिहार की अर्थव्यवस्था, सकल घरेलू उत्पाद में अनुमानित वृद्धि दर, जो रेट ऑफ डेवलपमेंट, जिस गति से बढ़ रहा है, जिस दर से बढ़ रहा है बिहार का जीडीपी, 15.75 है, बहुत ज़्यादा है 15.75। इसका एक रीज़न ये भी है कि बिहार का जो नेट जीडीपी है वो बहुत कम है, लेकिन जो जीडीपी में डेवलपमेंट का जो रेट है वो ज़्यादा है, लेकिन अभी भी जीडीपी पर कैपिटा के हिसाब से बिहार सबसे नीचे है। और जब तक नेट जीडीपी और जीडीपी पर कैपिटा में सुधार नहीं होगा, बिहार में गरीबी का हालत यही रहेगा। अगला पॉइंट देखिए, सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर, चालू मूल्य पर वृद्धि दर, ये नंबर लिखा हुआ है, हालांकि इस तरह का नंबर एग्जाम में नहीं आता है, ये वाला बस आप नोट डाउन कर लीजिए, 15.75 जो है जीडीपी का डेवलपमेंट रेट है। बाकी आप जो स्टैट्स अपने सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं आप पढ़िए एक बार, और उस पर जहाँ पर आपको लगता है मैं तेज़ जा रहा हूँ वहाँ पर आप वीडियो को पॉज करके आप अपने कॉपी पेन से नोट डाउन कर सकते हैं। आगे देखते हैं, जिस क्षेत्र में बिहार में वृद्धि हुआ है, निर्माण क्षेत्र में 35%, संचार में 17%, व्यापार होटल रेस्टोरेंट में 17%, बिहार में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर था ही नहीं, तो अगर इन सब सेक्टर में डेवलपमेंट हो रहा है तो ये कुछ भी चौंकने वाला नहीं है। बेसिक इंफ्रा अब बिहार में बनना शुरू हुआ है, जबकि ज़्यादा डेवलप्ड स्टेट में, साउथ के स्टेट में देखेंगे या पंजाब हरियाणा में, वहाँ पर 15-20 साल पहले ही बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का काम सारा पूरा कर लिया गया। देखिए बिहार का कुल ऋण 20%, जो बिहार का नेट जीडीपी का 20% है वो ऋण के तौर पे लिया गया है। ऋण जो लिया जाता है वो इंडिया के बैंकों से भी लिया जाता है, वर्ल्ड बैंक से भी लिया जाता है, एशिया बैंक से भी लिया जाता है। तो ऋण लेने के अलग अलग स्रोत हैं, पर नेट जीडीपी का 20% तो ऋण में ही जा रहा है। बाकी स्टेट्स भी आपके दिए हुए हैं, 1.5 करोड़ लोग बीपीएल में हैं बिहार में, ये वाला पॉइंट नोट डाउन कीजिएगा, ये ऊपर वाला, ये वाला। बिजली की खपत 122 यूनिट है प्रति व्यक्ति औसत ऊर्जा खपत 122 है, तो मुझे भी याद नहीं था 122 तो बहुत ज़्यादा होता है। चलिए 122 यूनिट है, इसको आप याद रखिएगा। पूंजी निवेश जो है, जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है 144 करोड़, तो बहुत कम है। बिहार में कृषि की स्थिति देखिए, सकल घरेलू उत्पाद में 16% जो है वो कृषि का ही है। कुल खाद्यान्न 176 लाख टन, खाद्यान्न उत्पादन 80 लाख टन का है। आजीविका के लिए कुल कृषि का आश्रित जनसंख्या का प्रतिशत 80% है। बिहार का मुख्य फसल चावल है, प्रति व्यक्ति भूमि उपलब्धता 0.18 हेक्टेयर है। चलिए फसलों वाला आ गया, फसल को हम अगले वीडियो में देखेंगे, ये वीडियो अब 10 मिनट का होने जा रहा है, इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। जो भी हमारे देख रहे हैं, जो भी लोग हमारे देख रहे हैं वीडियो को, उनसे मैं कहूँगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और नीचे जा कर के आप कमेंट में अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई स्टडी मटेरियल चाहते हैं, यह सिर्फ हम बीपीएससी के लिए नहीं स्टडी मटेरियल दे रहे, हमारे पास बैंक का, एसएससी का और जो रेलवे का भी एग्ज़ाम होने वाला उनका भी स्टडी मटेरियल मौजूद है। तो आपको कुछ भी चाहिए हमारे चैनल पर मौजूद है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।